सुपारी नगर गांव की ये कहानी आपको हैरान करके रख देगी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव सुपारी नगर था। वहां पर एक सुंदरी नाम की छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसकी सहेली रेखा उसके पड़ोस में रहा करती थी। रेखा हर रोज़ अपने घर का काम देख के अपनी सहेली सुंदरी के यहां आती। सुंदरी उससे अपने सारे दुख सुख कहा करती थी। सुंदरी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, जिस कारण सुंदरी अनाथ हो गई थी। उसके चाचा चाची उससे बहुत काम कराते और उसे घर में बस दो वक्त का खाना बदले में दे दिया करते थे। सुंदरी अपने सारे दुख अपनी सहेली से कहती और डर से वो फिर किसी से नहीं करती, ताकि गांव वाले अगर उसके चाचा चाची से बता दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक दिन रेखा के कहने पे सुंदरी खाना बना के उसके साथ बगीचे में घूमने चली जाती। तभी उसकी चाची आती और चाचा जब गांव से लौटते तो वो उनसे अपनी बेटी की शिकायत लगाती। वो कहती, देखो जी, आप इस गांव के मुखिया हैं और आपकी ये जो भाई की बेटी है हाथ से निकले जा रही है। ये बचपन से ही अनाथ थी और हमने इसे पाला है और ये अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अगर हम लोग इस पर अभी रोक नहीं लगाते हैं तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारे घर जगह में भी हिस्सा मांगने लगेगी। आप कुछ करो। इतना कह वो रात में ही तांत्रिक से मिलने की योजना बनाती। सुंदर वन के पीछे बसा तांत्रिकों का गांव तांत्रिकपुर था। वहां पर सुंदरी की चाची पहुंच जाती अपनी छोटी सी समस्या लेके। वो सुंदरी के बारे में बताती और कहती, बाबा जी, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि मैं सुंदरी को अपने वश में रख सकूं, ताकि वो मेरे सारे घर के काम भी करे और फिर अपने घर के लिए हिस्सा के लिए वो लड़ाई झगड़ा भी ना करे। बचपन से उसे मैंने काम कराया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अब बड़ी हो रही है। तांत्रिक बाबा सुंदरी को अगले दिन बुलाते। वो वापस घर जाती और अपने पति के साथ सुंदरी को शहर की ओर भेजने के बहाना से तांत्रिकपुर गांव में भेजती। गांव का मुखिया रात में अपनी भतीजी को लेके तांत्रिकपुर की ओर निकल जाता। जाते जाते उन्हें सुबह हो जाती। आश्रम पर जब वो लोग पहुँचते तो सुंदरी उन्हें देख घबरा जाती और कहती, चाचा जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे शहर घुमाने ले जा रहे हो, पर ये आप कहाँ लेके आ गए? सुंदरी के पीछे छिप के रेखा भी आ चुकी थी। उसे तो पहले से ही उसके चाचा चाची पे शक था। वो आश्रम के पीछे वाले पेड़ से उन लोगों की बातें सुन रही थी और झट से वापस गांव की ओर भागती, गांव वालों को बताने कि सुंदरी के साथ अन्याय हो रहा है। सुंदरी कहती, चाचा जी, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तांत्रिक सुंदरी से कहता कि तुम वैसे मंत्र बोलो जो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, तुम दोहराते जाओ क्योंकि तुम अनाथ हो। ये शब्द सुन के सुंदरी रोना शुरू कर देती और वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती। इधर मुखिया अपनी पत्नी से आके ये सारी घटना बताता और कहता, आज तो सुंदरी उस तांत्रिक के हाथों नहीं लगी, वो भाग चुकी थी और रास्ते में पता नहीं उसे कौन मिला जो उसे गांव तक ले आया। वापस अगले दिन फिर से तांत्रिकपुर की ओर सुंदरी की चाची निकल रही थी। तब तक गांव वाले उसे आधे रास्ते में रोक लेते। उनसे वो बहाना करती कि वो दवा लेने शहर जा रही है और फिर वो तांत्रिक को अपने गाँव के एक आश्रम के पास ला के रखती। पीछे के रास्ते से उससे पूजा पाठ कराना शुरू कर देती। रेखा के बताए जाने पर गांव वाले उसका पीछा कर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते। उन्हें तो पहले से ही शक हो चुका था कि सुंदरी की चाची कोई तंत्र विद्या सुंदरी पर करना चाहती थी। उसकी चाची तांत्रिक बाबा से लगातार बातें करने में लगी थी। गाँव वालों को वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। गाँव वाले भी ये सच्चाई देख चकित रहते। उन्हें समझ आ जाता कि ये मुखिया की पत्नी जब अपने घर में ही इतने लालच से रहती है तो ये लोग हमारे गांव का क्या ख्याल रखेंगे। देखते ही देखते वहां शंकर भगवान प्रकट हो जाते और तांत्रिक गायब हो जाता।
शंकर भगवान को देख वो घबराए एकदम कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती। उससे डांट लगाते हुए शंकर भगवान गुस्से में कहते हैं, सुंदरी मेरी बचपन से भक्त है और मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे भक्तों पर कोई अन्याय करे। तुम सुंदरी को इस तांत्रिक के द्वारा पागल करना चाहती थी ना? तुम कभी नहीं कर सकती हो। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुंदरी को मुझ पे सबसे ज़्यादा भरोसा है और अब समय आ गया है कि मैं उसका मदद करूँ। तुम उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकती मेरे रहते हुए। और तुम ये तांत्रिक के पास जाना छोड़ो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, सुधर जाओ और सुंदरी को अपनी बेटी की तरह रखो, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया है। और अगर वो चाहे तो तुम लोगों से अलग हो सकती है और गांव वालों के साथ मिलके बागी भी हो सकती है, बगावत करके अपना धन आधा ले सकती है। लेकिन वो तुम लोगों को माँ पिता के समान मानती है। उस ये सारी बात सुन सुंदरी की चाची भगवान जी से माफ़ी मांगती और कहती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे मेरे बच्चों के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये सब करना पड़ रहा था, मुझे माफ़ कर दें और एक मौका दें। शिव जी उसकी बातों पर गौर करते और फिर उन्हें ऐसा लगता कि ये सच बोल रही है और सुंदरी को अब धोखा नहीं देगी, तो वो उसे समझा के छोड़ देते हैं और कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। तुम सुंदरी को प्यार से और अपनी बच्ची की तरह रखो। ये बात सुंदरी की चाची को समझ आ जाती और वो शिव जी से वादा करती कि आज के बाद वो सुंदरी को कभी दुखी नहीं करेगी और उसे पता भी नहीं चलेगी, बस एक उसकी बात शिव जी मान ले। शिव जी उससे पूछते हैं, तभी वो बताती कि आप ऐसा शक्ति से अपने गायब कर दीजिए इन लोगों को कि यहाँ जो भी हुआ ये सब कुछ भूल जाए, ताकि मैं नए सिरे से शुरू करूँ और सुंदरी को अपनी पुत्री की तरह रखूँ, वरना गांव वाले मेरा मजाक बनाएंगे। शिव जी वैसा ही करते, अपनी जादुई शक्ति से सारे गांव वालों को हुआ वहाँ की सारी घटना भुलवा देते। सुंदरी अपनी सहेली के साथ आती तो उसकी माँ कहती, अरे मेरी बिटिया रानी, तू कहाँ थी? तुझे पता है तेरी चाची कब से यहाँ इंतज़ार कर रही है। ये सब देख सुंदरी और रेखा दोनों हैरान रहती। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आज अचानक कौन सा चमत्कार हो गया है। सुंदरी देखती कि आप किसे कह रही हैं चाची, तभी वो हंसते हुए कहती, अरे मेरी रानी बिटिया, मैं तुझे कह रही हूँ, तू ही तो मेरी इकलौती बेटी है, मेरे तो बस दो बेटे हैं और तू एक बेटी। तू आज के बाद कहीं भी जा तो मुझे बता के जा, और ये क्या तू कपड़े पहन के रखी है, चल जल्दी से हम लोग शहर चलते हैं और तेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आएंगे। ये सब सुन सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते और आखिरकार उसे वो ममता मिल जाती जिसके लिए वो बचपन से तड़पी थी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।